नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम से सफलता तक 71 में आपका स्वागत है। मैं हूं अमर सिंह यादव। प्रश्न कहता है बाबू कि अंकों 0, 9, 8, 5 तथा 6 से के प्रयोग से बनने वाली 5 अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए, और हाँ, अंक कोई दोबारा दोहराया नहीं जाना चाहिए, यह प्रश्न कहता है। तो बनाइए, देखिए इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 0 को छोड़ करके 5, उसके बाद कौन सा छोटा है 0, फिर कौन सा छोटा है 6, फिर कौन सा आ रहा है बाबू 8, और फिर ये 9। तो 50,689 संख्या बनेगी। तो भैया आप कौन सा ऑप्शन इसका होगा, 50,689 संख्या बनेगी, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, कहता है निम्न में से बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्या बतानी है। तो भैया इन संख्याओं को आप ध्यान से देखिए और बताइए कौन सी सबसे छोटी और बड़ी से बड़ी वो संख्याएं होंगी। वो संख्याएं सबसे छोटी जानते हो कौन सी होगी, 13 0 13 0 और फिर 0 और 7। एक तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई। दूसरी होगी आपकी, दूसरी कौन सी होगी भैया, आपकी दूसरी संख्या होगी 25 364, 25 और 364, जो ऑप्शन नंबर आपको डी को बताता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कहता है कि 517 × 312 − 156 × 734 को सरल करना है। तो क्या करेंगे, पहले इसकी गुणा करें, फिर इसकी गुणा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। अब इन दोनों में बताओ कॉमन क्या मिलता है। इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो भैया कॉमन क्या मिलेगा, तो भैया एक बात बताओ, इसमें और इसमें कॉमन क्या मिलता है, 156। अगर हम 156 इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो 156 से अगर इसको हम भाग करेंगे तो 156, तो ये 517 ये कॉमन मिला, और 156 दूना 352 होते हैं, इधर ये गुणा हो गई। अब ये हुआ आपका माइनस। अब इसमें जो हमने 156 तो ये इधर निकाल लिया था, अब ये भैया ये बचा आपका 734, ठीक है 734। तो 156 अब इसको गुणा कर लेते हैं, 17 × 34 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 1 = 2 और 1 = 3 और 2 × 5 = 10 और −734। अब इसमें से घटा लेते हैं, ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पर 20 और यहाँ पर कितना बचेगा 3। तो 156 से अब गुणा करेंगे, कितना 300 का गुणा करेंगे, तो बराबर 20 ये हो गए, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15 और 1 = 16, 3 × 1 = 3 और ये 4, 46,800 आया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है संख्या 7 सही 5/6 का निकटतम मान बताना है। तो भैया 7 सही 5/6 का निकटतम मान बताना है। एक बात बताओ, ये 7 तो आपके पूरे पूरे हो गए ना, 7 तो पूरे पूरे हो गए, तो यहाँ पॉइंट लगा दिया तो भैया हो गए 50। अब 6 से भाग करेंगे तो 6 × 8 = 48, कितना बचा 3 बचा, फिर 6 × 3 = 18, फिर 6 × 3 = 18, तो 7.833 किसका भैया मान होगा, जरा देख के बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि 3055 में अगर हम भाग करते हैं 2.35 से तो हमारा आंसर आता है 1300 है। तो 305.5 में भाग करेंगे 23.5 से तो आंसर कितना आएगा। एक चीज देखिए, 305.5 और भाग करना है 23.5 से। अब हमने जब इसका और इसका भाग किया तो आंसर इतना आया होगा, कैसे एक बार चेक करके बताते हैं। देखो ये हमने इस प्रकार से इसको किया, ठीक है, इस प्रकार से ये किया, पॉइंट हटाया, 20 बढ़ाया। अब ये 13 पर कटा होगा तभी तो ये 1300 आया होगा। अब देखिए यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, बराबर हो गया, जब ये 13 पर कटा गया तो इसका आंसर 13 तो आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये
कर देना है, 5,000 रुपये उसे टैक्स देना है। और बाबू जानते हो उसने 250 रुपये ही दिए, अब बताओ उसने कितने प्रतिशत दिए। भैया उसको देना था 5,000 और उसने दिया है जानते हो 250 रुपये। अब कहता है कितने प्रतिशत दिया, तो 250 ऊपर लिखेंगे और गुणे 100, और जितना देना था उसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5×25। तो जानते हो उसको देना था 5% उसने दिया है, देना था ज़्यादा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 96 और 160 का एलसीएम। तो 96 और 160 का एलसीएम अगर निकालना है तो भैया भाग इससे करेंगे, 2×8 और 2×8 16 और 2×8 16 2 जीरो 0, 24×2 48 इधर 40 लिखेंगे, ये बात जानते होंगे आप लोग, 12 लिखेंगे, 20 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और 2×3 6 2×5 10, 3×3 और 5×5। अब 2×2 4×2 8×2 16 और 5×5 80, कितना बचा यहाँ 2 और 3 बचे, तो 3×2 6 और 6×8 बाबू कितने होते हैं 48। इनका एलसीएम आया 480, जो आपके ऑप्शन से बी में मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 4 घंटियाँ 6, 8, 10, 20 मिनट के अंतर पर बजती हैं, ये सभी प्रातः जो है 8 बजे एक साथ बजी थी, तो किस समय अब वह घंटियाँ एक साथ बजेंगी। तो भैया 6, 8, 10, 20, 6, 8, 10 और 20 ये एक साथ बजती हैं, तो जानते हो इनका एलसीएम निकाल करके और 8 में जोड़ देना है। तो ये मिनट थे ना, तो इनको एलसीएम करेंगे, 2×3 6 और 2×8 2×5 10 और 10×2 20, फिर 3 तो कटेगा नहीं, 2×2 4 5 और 2×5 10, फिर 2 से काटिए 3 और 1 5 और 5, फिर क्या करते हैं 3 से काटते हैं 5 उतार लेते हैं, फिर 5 से काटेंगे 5×5 5, 2×2 4×2 8 8×5 40 और गुणे ये 3 3×12 और ये 0, तो कितने मिनट आया 120 मिनट आया, और हम 60 से अगर भाग करते हैं तो एक घंटे में आ जाएंगे, 2×12। तो बजी थी भैया 8 बज के, पूरा 8 बजे बजी थी, 2 घंटे और हो गए। अब बाबू बताओ कितने बजे बजेंगी ये बजेंगी जानते हो 11 बजे, ये फिर एक साथ बजेंगी। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सही होगा, सी सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निकटतम मान बताना है, इसका निकटतम मान। तो भैया निकटतम मान, घबराना नहीं, प्रश्न बड़ा है लेकिन घबराना नहीं है, ये लिखा है 27.002, तो इसको लिखेंगे 27 और गुणे 18 और प्लस ये लिखा है 31.007, तो इसको लिखना है 31 और गुणे 2 और माइनस 30×10, ये बात समझ में आ गई होगी। अब 18 सती होते हैं 126, हासिल लगे 12, 18 दूनी 24 और 12 होते हैं 18 सती 26, 18 दूनी 36 और 12 होते हैं 48, प्लस 31×62 और माइनस 300, इनका योग करेंगे 6×2 8, 8×6 14 और ये एक हासिल लगा तो 5, 548 माइनस 300। अब भैया इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा यहाँ 48, यहाँ पर कितना बचेगा 2, तो 248 हुआ। अब बताओ, प्रश्न बहुत भारी लग रहा था लेकिन लगाने में आपको कितना आसानी से हमने बता दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कहता है श्रेणी यानी आपका पैटर्न से संबंधित है 1, 3, 9, 7, तो अगला पद बताना होगा। बहुत ध्यान से देखिए, 1 और 3 और 9 और 27, तो अगला पद आपको बताना होगा कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर जो है किसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका और इसका स्क्वायर चल रहा है किसका, अगर हम 1×3 कर दें तो 1×3 3, और यहाँ पर 3×3 करेंगे तो कितना होगा 9 होगा, और यहाँ 9×, अगर हम 3 करते हैं तो 27 होता है, अब यहाँ पर 27×3 करेंगे तो कितना होगा 81 होगा, कितना होगा 81 होगा। तो ऑप्शन नंबर भैया इसमें कौन सही होगा,
81 जरा देख के बताइएगा, ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा। नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि रात्रि 9:45 बजे सोए हैं तो भैया 6:15 पर उठ गए हैं, तो बताइए कितने घंटे सोए हैं। अब रात्रि 9:45 पर आप सोए हैं, 9:45 पर, तो बताओ भैया 12 बजने में कितना समय बाकी है। तो यहाँ से अगर हम हासिल लेते हैं तो हासिल जानते हो, यहाँ से 12 घंटा है ये, तो इधर लेंगे तो 60 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 60। तो भैया कितना बचा? 15 मिनट इधर बचा। अब यहाँ से एक घंटा चला गया, कितना बचा? 11 घंटा बचे ना, यहाँ पर 9 बजा है तो 2 घंटा बचा। तो 12 बजने में हमें 2 घंटा, ये तो क्लियर हो गया कि 12 बजने में 2 घंटा। अच्छा उधर कितना भैया बजे सोए हैं? 6:15, और इधर 2 घंटा 15 मिनट, ये हो गया तो 6, 2, 8, और ये हो गए भैया 15, 15, 30। तो 8 घंटा आप 30 मिनट सोए हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी बिल्कुल होगा, जो 8 सही 1/2 बताता है वो 8:30 ही बताएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटा के समान चाल से कुछ दूरी 4 घंटे में तय करती है कार द्वारा तय की गई दूरी। अब बताओ 120 किलोमीटर अगर दूरी है एक घंटे में जाएगी, तो भैया 4 घंटे में कितनी जाएगी? 12 × 4 = 48, ये 0, यानी 480 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगी। तो भैया ऑप्शन नंबर इसमें कौन सही होगा? 480 के डी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है निम्न दंड ग्राफ में जो एक कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के साधन दर्शाता है का अध्ययन कीजिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ग्राफ बना है कौन सा यातायात सबसे अधिकतम विद्यार्थी द्वारा प्रयोग किया गया है। तो स्कूल का जो है साइकिल से जब जाता बच्चा है तो 10 करते हैं, स्कूल बस से जब जाते हैं तो ये 15 करते हैं, सबसे ज़्यादा स्कूल बस का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कहता है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किसी विशेष सप्ताह में अनुपस्थित रहने वाले के नीचे दर्शाए गए हैं। दिन दिया है, अनुपस्थित छात्रों की संख्या दी है, कहता है किस दिन अनुपस्थित की संख्या सबसे अधिक रही होगी। तो देखिए इसमें जो है शुक्रवार में ज़्यादा मोजी बनी है, तो शुक्रवार में अनुपस्थित रहेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 15 किलोग्राम चीनी का मूल्य 480 रुपये है, तो 7 किलोग्राम चीनी का मूल्य बताओ क्या है। देखिए 15 kg जो चीनी है उसका जो मूल्य है वो 480 रुपये है। कितने हैं? 480 रुपये। तो 1 kg का मूल्य कितना होगा भैया? बटे में 15 कर देते हैं, और हाँ पूछता 7 kg का है तो 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30, 7 × 2 = 14 और 7 × 3 = 21 और 1 = 22, 224 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका कौन सही होगा? बी बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 56 देखिए, कहता है एक साइकिल को 2,700 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हो जाती है, इसे लाभ प्राप्त करने 10% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचे। अगर वो साइकिल 2,700 की बेचता है, 2,700 की बेचता है तो उसे 10% की हानि हो जाती है। तो हम पहले पता करते हैं कि साइकिल खरीदी कितने में गई थी, तो 100% का मूल्य रहा होगा, और हाँ जो हानि हुई उसको नीचे लिखते हैं। अब इस पर लेना लाभ है कितने? 10%, तो 100 में 10 जोड़ देंगे और नीचे ये भैया 100 लिखेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 × 3 = 27 और 11 × 3 = 33 और ये 2 0, 3,300 रुपये की अगर साइकिल वो बेचेगा तो जानते हो उसे 10% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि एक आयत को 30 सेंटीमीटर लंबे पतले तार से बनाया गया है, यदि इसकी चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो तो लंबाई ज्ञात कीजिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे ये 30 सेंटीमीटर कोई चीज़ है, ये क्या है? कोई तार 30 सेंटीमीटर है। अच्छा इस तार को अगर हम गोल गोल घुमा दें, गोल गोल घुमा दें तो परिधि तो बनेगी, गोल गोल घुमाएंगे। अगर इसी तार से हम अगर इस प्रकार से तार तो उतने लंबा है ये बना आयत, तो इसका जो परिमाप होगा यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। तो ये क्या बना भैया?
परिमाप बना आपका, क्या बना? परिमाप। तो आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप वो आपका है इसमें 30 सेंटीमीटर। कितना है? 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखिए, अच्छा आयत का परिमाप होता क्या है? आयत का जो परिमाप होता है, परिमाप वो होता है दो और लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो दो, लंबाई तो पता नहीं है तो इसको एक्स मान लेते हैं, चौड़ाई दी है 6, अच्छा जो परिमाप दिया है वो 30, दो से काटते हैं कितना बच्चा 15, तो एक्स प्लस 6 = 15। तो पक्षांतर करेंगे तो 15 - 6 तो कितना आएगा 9 मीटर। तो लंबाई इसकी आई बाबू कितनी, 9 मीटर इसकी लंबाई आई। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 9000 रुपये पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज याद कीजिए। तो भैया एक बात बताओ, जो पी है वो 9000 रुपये है, जो आर है आपका जिसको दर कहते हैं, आर कितनी है 9% है, और जो एन है वो 3 वर्ष है, 9% वार्षिक है। तो भैया साधारण ब्याज बराबर आपने अगर पढ़ा होगा तो ज़रूर मालूम होगा क्या होता है, पी गुणे आर गुणे एन बटे 100। पी का मतलब मूलधन और आर का मतलब दर और एन का मतलब समय। तो पी कितना है यहाँ 9000 और आर कितनी है 9 और गुणे 3 और बटे 100। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 9 9 81 और ये 0 और ये 3, 3 0 0 3 1 3 3 8 24 2430 रुपये जो है भैया उसका ब्याज बना। ऑप्शन नंबर डी बाबू बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक वृद्धाश्रम के लिए राम ने 46.5 किलोग्राम चीनी तथा कृष्ण ने 35.5 किलोग्राम चीनी एकत्र की, उन्हें 200 किलोग्राम की चीनी की आवश्यकता है। तो बताओ भैया के जी और कृष्ण के द्वारा कितनी 35.5, तो 5 5 10, 6 5 11, 1 12, 4 3 7, 1 8, तो 82 kg उन्होंने चीनी एकत्र कर ली। अच्छा चाहिए थी उनको 200 kg। अब बताओ इसमें से अगर हम 82 माइनस कर देते हैं तो 10 से 2 गए कितना बचा 8, यहाँ 9 है, यहाँ पर 8 में से 9 गया 1, तो यहाँ पर कितना बचा 118 kg चीनी उनको और चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, कहता है दो अंकी ऐसी अभाज्य संख्या हैं जिनके दोनों अभाज्य अंकों में बनाया गया है कि संख्या हो सकती है, मतलब दोनों अंक अभाज्य हैं, ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं दो अंक की। तो भैया अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से न कटे। देखो इसमें जो अंक 3 है ये भी किसी से नहीं कटेगा और 2 भी किसी से नहीं कटेगा, और एक संख्या बनेगी 37। ये देखो दोनों अंक कटेंगे ना, 7 कटेगा ना 3 कटेगा, और हाँ एक संख्या और बन सकती है 53, ना 5 कटेगा और ना 3 कटेगा। और अगली संख्या कौन सी बन सकती है 7 और 3, 73। ये संख्याएं कितनी हो गई 1 2 3 और 4 संख्याएं। तो ऐसी 4 संख्याएं हो सकती हैं जिनके दोनों अंक अभाज्य होंगे और 2 अंक की हो सकती हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी बिल्कुल सही है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिए, और ना पसंद आए तो डिसलाइक का भी बटन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।